अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम ट्यूलिप शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। जितनी तैयार मुझे लेंथ चाहिए 20 इंच, इससे मैंने 2 इंच ज़्यादा तैयार रखनी है। ये ट्राउज़र छोटा है, अगर आपका बड़ा है तो आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। डबल कपड़ा है ये, दरमियान से इस तरह से फोल्ड करना है इसको, जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक पर कपड़ा लगता है बिल्कुल वैसे ही इस ट्यूलिप शलवार पर कपड़ा लगता है। इस तरह की शलवार की अगर आप कटिंग करते हैं तो लेंथ में थोड़ी सी छोटी होती है। यहाँ पर आप जोड़ डाल सकते हैं जहाँ से मैंने कट करना शुरू किया है। दरमियान से आसन की कटिंग मैं ये लचकदार कपड़े की साइड से करूँगी। जो सीधी साइड होती है कपड़े की वो मैं बाहर की तरफ रखूँगी। आसन टोटली 7 से 8 इंच रखूँगी मैं। नीचे वाली साइड से 4 इंच पर सीधा कट करना है। अरेब में ये कटिंग नहीं करते, सीधी करते हैं। यहाँ से जो गुलाई में कटिंग होती है उसको अच्छे से करना है। दरमियान में लैस के अंदर अंदर 2 प्लेट डालेंगे।
ये प्लेट मैंने अंदर की तरफ डाले हैं। अगर आपकी शलवार बड़ी हो तो दो की जगह ज़्यादा प्लेट डालेंगे। अब ये जो कॉर्नर था बेल्ट के ऊपर भी मैंने कट्स लगा लिए थे दोनों साइडों पर भी। प्लेटों की साइड अंदर की तरफ ही रहेगी। जब मैं आऊँगी दूसरी तरफ दरमियान में तो जैसे हम नॉर्मली प्लेट डालते हैं बिल्कुल वैसे ही डाल लूँगी। अब यहाँ से प्लेटों की साइड चेंज कर ली है।